थोड़ा बहुत उनका कुछ हुआ और इन रिप्लाई आप देखो कि भाई 183/5 बेलबर्नी के 70 रन, हैरी टैक्टर बीच में 36 करके, डॉकरन ने 23 करे 12/24 और लास्ट में जब फंसा था बेलबर्नी की विकेट गिरी आते उनने शहीन को रिवर स्कूप का चौका मारा कर्टिस कैम्पर ने और फिर वो भी लेट कट करके चौका मारा तो वहां से कर्टिस कैम्पर अच्छे खिलाड़ी होंगे बट यहाँ पर डिफरेंट रोल उनको एज अ फिनिशर यहाँ पर जो देखा उन्होंने तो वो एक गेंद रहते मुकाबला जीते और बॉलिंग अटैक में देखिए शहीन है, नसीम है, इमाद वसीम है, अब्बास अफरीदी और शदाब खान है तो बॉलिंग पूरी है और इसमें ये भी था कि लास्ट में नसीम जो एक बाउंड्री सेव कर रहे थे उस दौरान थोड़ा चोटिल भी हुए इफ्तिकार बाउंड्री पर पांव रखते हैं इफ्तिकार का तो कैच तो अलग चीज बट जो पाकिस्तान से सुनते हैं हमें उनके लिए मैं ये पूछूंगा कौन सी यार है जो शाइन शाह के दूर से कप्तान बना है कोई सीरीज हार गए कहां पर हार गए थे शाइन शाह कहीं एक जगह हार गए थे तो उन्होंने कप्तान से डाल दिया बाबर आए तो घर पे भी हार गए ये जाके अभी चलो तो हारने के अभी इनके तो एक हार ही बहुत बड़ी बात है सीरीज आप आगे चल के जीत जाओगे चलो अच्छी बात है व्हाटएवर जो भी हो बट आयरलैंड में तो रन भी नहीं सकते यार क्या फर्क पड़ता है वो शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम वो कर ही तो रहे थे क्या अगर वो उनका फैसला जो भी था और उस टाइम समझ में नहीं आया कि यार तो आप पहले ही ना हटाते हैं जो बाबर जो भी गए बाद में खिचड़ी बट देन बात ये है कि यार पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं बूट कैंप लगा लिया ये कर लिया वो कर लिया फिटनेस विटनेस मेन स्किल बल्ला जो है वो चलाना पड़ता है वो आप फिटनेस से बैठ नहीं चल जाएगा अपने आप और अगर आप 1-2-3 में इस तरीके से चलो रिजवान चलो आउट हो गए जल्दी उनको कुछ नहीं है तो बाबर आजम आप ये देख सकते हैं 24 गेंद में 24 रन थे बाबर आजम के ऐसा नहीं बैटिंग ग्राउंड 21 गेंदों में 19 और वहां पर आप देखो आप आईपीएल में भी देख लो क्या हो गया अब लोग बोल रहे थे भाई आईपीएल में बहुत अच्छा विकेटों पे भी अगर रन नहीं बनाओगे तो खौफ खा ये भी था दिनेश भाई पाकिस्तान से काफी लोग कह रहे थे कि आईपीएल में बॉलिंग का क्या स्टैंडर्ड है आईपीएल में ग्राउंडें बड़ी छोटी है भाई साहब आयरलैंड के लिए आप छोटी ग्राउंड में सिर्फ 182 बनाए वो भी वो एक गेंद रहते कर यार अपने में क्या था यार आपको दीपक गुंडा और संजू सैमसन संजू सैमसन ये चल रहा था कि शतक कौन मारेगा ठीक है हम ये बोल रहे हैं संजू आयरलैंड आपको याद आएगा एक गेम में चैलेंज भी किया था उन्होंने इंडिया को ये वही आयरलैंड है जिसने इंग्लैंड को हराया था तो आप किसी भी ओपोनेंट को छोटा और हल्का नहीं कर सकते इसीलिए हम T20 जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो हम कहते हैं भाई वहां पर पाकिस्तान का एक चांस रहता है वनडे में ऐसा नहीं रहता बट पाकिस्तान को समझना होगा कि वर्ल्ड कप सामने आ रहा है आप अपने कॉम्बिनेशन बना रहे हो बहुत चीजें करी है आमिर को लाए हो इमाद वसीम है ये वो तमाम चीजें आपने करी है बट क्या परफॉर्मेंस वाइज अभी अगर आप देखेंगे उस तरीके की बात हमें नजर नहीं आ रही है और फिर सवाल ये हुआ कि बाबर आजम द कैप्टन पर फिर से घूम फिर कर और आपको पता है कि पाकिस्तान में उन्हीं का क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा होगा उन्हीं पर बात आई घूम फिर की भाई आपकी और आजम खान के लिए बात होती है वो स्पिन को अच्छा खेलेंगे बीच में हिटिंग करेंगे सब कुछ है लेकिन आजम खान भी उन मौकों को अभी तक उस तरीके से भुना नहीं पाए जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में फिर भी कर्जा लगा देते हैं वो यहाँ पर नहीं दिखा तो आजम खान के साथ आपको पता है कीपर की उनको जरूरत है कीपर उनके पास रिजवान है और उन्होंने तो खेलना ही है तो आजम खान को करना पड़ेगा कुछ तब जाके उनकी जगह बनेगी अदरवाइज जगह नहीं बननी उनकी चलिए काम करते चलते हैं पहले T20 और पाकिस्तान हार गया है देखो पर नसीम की इंजरी पर क्या अपडेट आते हैं क्योंकि वो बड़ा कंसर्न है ज्यादा चलिए हार गया आयरलैंड से वो तो कुछ बात नहीं बट नसीम क्योंकि इनके इंपॉर्टेंट बॉलर हैं और हम इंडिया के लिहाज से भी उनको पिछले T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार गया था पाकिस्तान उसके बाद से वो आपके लिए चलो क्या कोई बात नहीं ये अपडेट थी पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान हार गया आयरलैंड ने बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला है वो जीत गया और अभी आईपीएल चल रहा है मैच का मुकाबला जीएमबी और सीएसके में तो लग रहा है कि जीती शायद टीम जाएगी बट देखते हैं आईपीएल कुछ भी हो सकता है जल्द मिलता है।